वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज डॉमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, इसकी पूरी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आप डॉमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो सर्टिफिकेट है, ये मैंडेटरी रहेगी हर किसी रिक्रूटमेंट के लिए जो कि अब जम्मू कश्मीर में होगी। यानी कि अप्लाई करने के लिए हर कोई रिक्रूटमेंट के लिए जो जेके में होगी, उसको अप्लाई करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। तो मैं इसका आपको ओवरव्यू बताऊंगा जो है इसका। इसमें जो है, जो भी शख्स जम्मू कश्मीर में पिछले 15 साल से रह रहे हैं, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो बच्चे 7 साल से जेके में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है, चाहे स्टेट वो बोर्ड में पढ़ रहे हों या CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। और जिन्होंने 10th 12th यहाँ पे क्वालिफाई किया है और बाहर पढ़ रहे हैं या यही पढ़ रहे हैं लेकिन 10th और 12th यही क्वालिफाई किया है, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, एम्प्लॉय हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए जो वक्त रखा गया है वो है 10 साल। जो 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ उनके बच्चे भी एलिजिबल हैं। अब बात करेंगे अप्लाई कहाँ पे करना है। इसके लिए अप्लाई करना है कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट तहसील से। और बात रहेगी जो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा तहसीलदार के पास, जहाँ वो उसकी कॉपी सबमिट करेंगे और उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी। अब बात करेंगे जो बच्चे जिन्होंने यहाँ पे 10th 12th क्वालिफाई किया है, उनके लिए डॉक्यूमेंट रहेगा वो सर्टिफिकेट 10th 12th की, जिसके लिए स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उसकी वेरिफिकेशन करेगी। और जो पिछले 15 साल से यहाँ पे रह चुके हैं, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट हैं वो रहेगा, जो लास्ट टाइम वो जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ की आरसी सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, या बिल, या राशन कार्ड, या एजुकेशन रिकॉर्ड। और जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा जॉब सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड। और बात करेंगे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू में रह रहे हैं या आउटसाइड स्टेट रह रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन उनको अप्लाई करना पड़ेगा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में। चाहे उनके बच्चे जॉब करते हैं बाहर बाहर से, लेकिन वो भी इसमें एलिजिबल हैं। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के बच्चे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।